अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मैं माहम से बहुत प्यार करता था और मैंने माहम से पसंद की शादी की थी, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल में खड़ा उसके लिए दुआएं कर रहा था। सारी रात मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना देना, उस मासूम की जान बचा ले मेरे मालिक। और इतने में डॉक्टर बाहर आता दिखाई दिया। उसने मुझे मुबारकबाद दी कि अब वो खतरे से बाहर था, मगर डॉक्टर की अगली बात सुनकर तो मैं सख्त घबरा गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मगर जो रिपोर्ट उन्होंने मेरे हाथ में रखी थी वो साफ बता रही थी कि वो मेरा। कई दिनों से मैं उस लड़की को देखा करता था, वो हमेशा एक ही वक्त में उस गली से गुजरा करती थी जहाँ मेरी रिहाइश थी। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए शहर आया हुआ था और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने की बजाय प्राइवेट हॉस्टल में रिहाइश पजीर था, जहां मुझे पुरसकून माहौल भी मयसर था और जिस तरह का मेरा लाइफस्टाइल था वैसी आसाइशात भी मयसर थी। एयर कंडीशनर, टीवी, आरामदेह बिस्तर सब था। मैं दिन भर यूनिवर्सिटी में गुजारकर जब हॉस्टल वापस आता था उसी वक्त मैंने सामने वाले बंगले से उस लड़की को निकलते हुए देखा था और पहली नजर में ही उसको दिल दे बैठा था। न जाने उसमें ऐसी क्या बात थी कि मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा था। मैंने कई हसीन लड़कियां देखी थी जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी, मगर मुझे उन लड़कियों में कोई दिलचस्पी ना थी। लेकिन आज पहली बार किसी को देख के दिल बेताब हुआ जा रहा था। मैंने एक दिन उसका पीछा करने का सोचा और यूनिवर्सिटी से जल्दी वापिस आ गया। मैं बेचैनी से गली में मंडलाने लगा। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी अपनी इस हरकत पर। आज तक मैंने किसी लड़की का इस तरह पीछा ना किया था, मगर अब मैं दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। सच कहते हैं, मोहब्बत अच्छे अच्छों को पागल बना देती है। कुछ देर बाद वो गेट से निकलती दिखाई दी। जैद रंग के लिबास में उसका गोरा रंग कुंदन की तरह चमक रहा था। मैं कुछ देर से उसके पीछे जाने लगा। उसके दुपट्टे से उसके लंबे बालों की चोटी दिखाई दे रही थी। वो हुस्न का मुजस्मा थी, लेकिन अचानक ही मैंने देखा वो गली से निकलते ही एक छोटे से पार्क का गेट अबूर कर गई। मैं भी उसके पीछे वहीं चला गया। एक संगीत बेंच पे बैठी वो अपने हाथों के चेहरे पर रखकर अचानक रोने लग गई। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो घर से बाहर यहाँ पार्क में बैठी रो रही थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं उसके करीब गया और आखिरकार पुकार लिया, एक्सक्यूज मी मिस। मेरी आवाज पे वो चौंकी और चेहरे से हाथ हटाकर मुझे हैरत से देखने लगी। वो ये भूल चुकी थी कि उसका चेहरा आंसुओं से तर था। देखिए मिस, मैं आपका नाम नहीं जानता, प्लीज आप रोएं तो नहीं, मैंने झिझकते हुए कहा और उसके पास बैठ गया। अब वो जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ करने लगी। मुझे बैठता देख कर बोली, देखे आप दूसरी बेंच पे जाकर बैठे, वहां भी तो सारी खाली है। उसने बेंचों की तरफ इशारा किया तो मैं मुस्कुराया। मैं आपसे बात करना चाहता था और आपके पीछे ही यहाँ तक आया हूँ। मैंने उसे सब बताया कि मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ और ना आज तक किसी लड़की से दोस्ती के चक्कर में पड़ा हूँ, लेकिन उसे देखकर बहुत बेचैन हूँ और उसे पसंद करने लगा हूँ। काफी देर तक वो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही और फिर बोली, क्या तुम भी मुझे अकेली समझकर मेरे साथ वही सलूक करना चाहते हो जो आज तक हर अमीर ज्यादा करना चाहता है, उसने निहायत दुख भरे लहजे में कहा तो मैं अंदर से जैसे कट सा गया। मैंने उसे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। मेरी बात पे वो हैरान हो गई। उसने बताया कि उसकी माँ एक टीचर थी और उसने अपनी पसंद से उसके वालिद से शादी की थी जो कि पहले ही शादीशुदा और दो बच्चों के बाप थे। अब वो मेरे भाइयों को स्कूल से लेने आया करते थे और वहीं उनकी मुलाकात अम्मी से हो गई। अब्बू अम्मी को पसंद करने लगे क्योंकि उनको वैसे ही जीवन साथी चाहिए थी, जबकि मेरी सौतेली माँ एक निहायत गंवार किस्म की खातून थी जिनको शोहर और बच्चों से जरा दिलचस्पी ना थी। बस सारा दिन खानदान वालों की टोह में लगी रहती थी। दूसरों के घरों में क्या हो रहा था उन्हें बस इसी बात में दिलचस्पी थी। अब्बू इन बातों से तंग आ चुके थे और फिर एक दिन अब्बू ने मेरी अम्मी से निकाह कर लिया और उनको अलग घर में रखा, मगर बदकिस्मती से उन दोनों का साथ बहुत कम लिखा था। जब मैं 5 साल की थी तो अब्बू अम्मी का एक्सीडेंट हो गया जिसके नतीजे में वो जांबर ना हो सके। मैं आया के साथ ही इसलिए बच गई। जब यह हादसा हुआ तो अब्बू के दोस्त ने मेरे भाई को सब बताया कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। भाई उस वक्त 15 साल के थे, वो मुझसे मिलने आए और यहाँ ले आए।
भाई ने मुझे बहुत प्यार दिया, मगर उस घर में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे जितनी नफरत की वो मेरी जिंदगी में जहर घोल लेकर काफी था। भाई ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर शिफ्ट हो गए हैं और इस घर में अब मेरी इज्जत भी महफूज नहीं है। ये बताते हुए वो फिर से रो पड़ी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया। उसका नाम माहम था। देखो माहम, जो हुआ सब भूल जाओ, बस मैं जल्द ही अपनी फैमिली को लाऊंगा और तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल कर ले जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है, मगर पहले तुम बताओ क्या तुम मुझसे शादी पे रजामंद हो? कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती? मेरी बात पे उसने नामे गर्दन हिलाई। मैं किसी को पसंद नहीं करती, बस मैं चाहती हूँ इस घर से इज्जत के साथ जाऊँ, वरना बड़ी अम्मी के भतीजे जो मेरे इर्द गिर्द मंडलाते फिरते हैं उनसे मुझे बड़ा खौफ आता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी बात पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैं उसे वादा करता हुआ घर वापिस आ गया। आज मैं बहुत खुश था। मैं माहम को बआसानी पा सकता था क्योंकि उसकी माँ वैसे ही उससे बेजार थी। मैं दूसरी सुबह ही गांव की तरफ रवाना हो गया। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मुझे यकीन था वो मेरा कहा नहीं टाल सकती थी। घर पहुंचते ही मैंने खुशी के मारे अम्मा को उठा के घुमा डाला। वो चिल्लाती रह गई, पागला हो गया है क्या? बूढ़ी माँ को भी बताएगा क्या? वो अपना सर पकड़े बैठी थी। अम्मा, आपका बेटा सच में पागला हो गया है। मुझसे सबर ना हो सका और अम्मा को सब मनोन सुना डाला। मेरी बात सुनकर पहले तो वो बहुत खुश हुई कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर माहम के बारे में सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। बेटा, ऐसे कैसे किसी को भी ब्याह लाओगे? लड़की का घर बार देखना पड़ता है, रीत रिवाज सबका पता करना होता है, वो मुझे समझाते हुए बोली। अम्मा, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप कल ही चलेंगी मेरे साथ रिश्ता लेकर। मैंने लाड़ से कहा तो अम्मा हंसने लगी। अच्छा बाबा, मेरे पास किसी चीज की कमी ना थी, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था और मुझे पूरा यकीन था कि रिश्ते से इनकार नहीं होगा, और हुआ भी वही। माहम की माँ ने उसी दिन हाँ कर दी और कहा कि इसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने और अम्मा ने उनको तसल्ली दी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए और हम इसी माँ निकाह करना चाहते हैं। वो राजी हो गई और इस तरह चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मुझे अपने पैर जमीन पर महसूस नहीं हो रहे थे, मैं जैसे हवाओं में उड़ रहा था। आज वो मेरी दुल्हन बनी मेरे पहलू में बैठी थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी थी। माहम भी मेरी मोहब्बत पाकर खेल सी गई थी, बहुत दुख देखे थे उसने। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसे हर खुशी दूंगा, जितनी भी तकलीफ उसे मिली है इन सब का मदावा करूंगा। पूरी हवेली में जश्न का समा था, आज हमारा वलीमा था। अब्बा भी बहुत खुश थे मेरी शादी से, लेकिन वो बहुत बीमार थे इसलिए बिस्तर से लगे हुए थे। इसीलिए सारी हवेली की कर्ता धरता अम्मा थी। मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी और अपनी शादी के 15 दिन बाद मैं वापस शहर आ गया था क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था। मैंने आते वक्त माहम से वादा किया था कि जाते ही मैं वहाँ पे मकान का बंदोबस्त करूंगा और उसको भी साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता था तो पढ़ाई कैसे करता। वो बहुत खुश हुई मेरी बात सुनकर और जाते वक्त वो उदास नजरों से मुझे देखती रही, जब तक कि मैं नजरों से ओझल ना हो गया। मैंने सबसे पहला काम एजेंट से मिला और 10-15 दिन के अंदर ही मकान मिल गया था जैसा मुझे चाहिए था। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था, मैं वापस गांव चला आया माहम को लेने। मगर वहां जो मंजर मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हवेली के सहन में अम्मा बैन किए जा रही थी, उनको रोता देखकर मेरी तो रूह तक कांप गई। कुछ बुरा हुआ था, बहुत बुरा। मैं कांपते कदमों के साथ अम्मा के करीब गया। मेरी नजरें चारों तरफ माहम को खोज रही थी। क्या हुआ अम्मा? मैंने बामुश्किल जुबान खोली। मुझे देखकर अम्मा और जोर से रोने लगी। अरे मेरा बच्चा, तू लुट गया, बर्बाद हो गया। तेरी दुल्हन हमारी इज्जत को पैरों तले रौंदकर भाग गई। उनके अल्फाज थे या पिघला हुआ सीसा, मुझे मेरे कानों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मैं भागता हुआ दीवानों की तरह नक्श को ढूंढने लगा, मगर पूरी हवेली में वो कहीं ना थी और उसका सारा सामान जेवरात सब गायब थे। मेरा सर चकराने लगा, पैरों से जान निकलती महसूस हुई। मुझे खबर ना हुई कि कब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं जमीन बोस हो गया।
मैं 2 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश रहा। जब होश आता, महम का ख्याल आते ही मैं चीखने लगता और डॉक्टर मुझे सुकून का इंजेक्शन लगा देते। कई दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। घर आकर भी मैंने चुप साध ली थी। मैंने एक लफ्ज तक ना पूछा अम्मा से। मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी। कई बार दिल करता कि खुद को खत्म कर लो, मगर फिर खुद को रोक लेता कि एक बेवफा के लिए मैं अपनी आखिरत क्यों खराब करूं। मैं ऐशो इशरत की जिंदगी जीने वाला लड़का होकर भी किसी बुराई में ना फंसा था। यहाँ तक कि कभी सिगरेट तक को हाथ नहीं लगाया था। मेरे दोस्त हर तरह की बुराई में मुलविस होते थे, लेकिन मैं उन सबसे अलग था। फिर भी मुझे ये सिला मिला। मेरी शराफत, मेरी मोहब्बत के बदले में वो मेरी इज्जत और मोहब्बत को रौंद कर चली गई। क्या उसने सिर्फ मुझे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था अपने महबूब से मिलने के लिए? ये ख्याल आते ही मेरा सर फटने लगता। महम को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था और उसका कोई पता ना चला था। मैंने हर तरह से उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर बेसुध। इस दौरान अब्बा भी इस दुनिया से जा चुके थे। अम्मा रोज मुझे दूसरी शादी का कहती रहती थी। बेटा, कब तुम उसकी याद में बैठे रहोगे? अब अपना घर बसा लो, तेरा अब्बा भी तेरी औलाद ना देख सका। अब मुझे तो देखने दे। वो भी मुझे वास्ते देती कि उनको अपने पोते देखने हैं मरने से पहले। मुझे कोई चाह ना थी अपना घर बसाने की, मगर अम्मा की खुशी के लिए मैंने रजामंदी दे दी। अब अम्मा खुशी से निहाल हो रही थी। मेरी शादी मेरे मामू की बेटी के साथ तय पाई थी। अम्मा ने बड़ी धूमधाम से मेरी बारात सजाई थी। मैं बस बुत बना अपनी शादी में शरीक रहा। सना बहुत अच्छी लड़की थी। उसने आते ही मेरा दर्द बांटने का वादा किया था। वो मेरी खुशी के लिए सब करती थी। मैं भी उसकी दिलजोई करने लगा था। भला महम के किए की सजा उसे क्यों दूं? चंद माह बाद ही मैं उसके साथ सेट हो चुका था। वो जैसे ही उम्मीद से हुई, अम्मा ने पूरे गांव में मिठाई तकसीम की थी। मैं भी खुश था, मगर ये खुशी हमें रास ना आई। जिस वक्त हम अस्पताल में खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त नर्स ने बताया कि आपकी बीवी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ है। ये सुनते ही अम्मा तो चकरा गई। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाला। अम्मा और सना दोनों सोग में थी। मैंने समझाया कि अल्लाह ताला और दे देगा, फिकर ना करो। वो फिर से उम्मीद हो गई और इस बार भी मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अब तो जैसे यही किस्मत में लिखा था। 1000 इलाज करवाने के बावजूद सना ने 4 मरतबा मुर्दा बच्चे पैदा किए। हर बार घर में सफ़े मातम बिछ जाता। मैं भी बहुत दुखी थी। चारों बेटों की लाशें जब मेरी गोद में दी गई, तब तब ऐसा लगा था जैसे किसी की आह लगी है, जो मुझे हर बार बच्चे झूले में सुलाने की बजाय मट्टी में दफनाने पड़ते हैं। मगर कुदरत को यही मंजूर था। मैंने सना को कह दिया था कि बस अब और नहीं सहा जाता। 9 माह की तकलीफ उठाकर भी तुम्हारी गोद सूनी ही रहती है, तो क्या फायदा इस तकलीफ का? मुझे नहीं चाहिए औलाद। मेरी इस बात पर वो और दुखी हो गई, लेकिन अब उसे और तकलीफ नहीं दे सकता था। अम्मा को इल्म हुआ तो उन्होंने भी मातम करना शुरू कर दिया कि मेरी किस्मत में पोते पालना नहीं लिखा। कभी कभी तो वो सना को कसूरवार कहती थी। भला उसका क्या कसूर? डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कजन मैरिज की वजह से आपके बच्चों के सर में पानी आ जाता है और वो पेट में ही खत्म हो जाते हैं। अगर वो जिंदा भी बच गई तो शायद अब नॉर्मल होंगे। इस केस में 100 में से 1 चांस होता है कि औलाद नॉर्मल हो। मैं डॉक्टर से होकर वापस जा रहा था। आज हकीकी मानों में मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। और इसी ख्याल में ना जाने कैसे मुझसे वो एक्सीडेंट हो गया। मैं अंधाधुंध कार दौड़ा रहा था। मेरी कार के आगे एक बच्चा था जिसके हाथ में काफी सारे फूल थे और वो फूल बेचने निकला था शायद, मगर मेरी गफलत की वजह से मेरी कार से टकरा गया। या अल्लाह, मेरी मदद कर उस बच्चे को बचा ले। उसका काफी खून बह गया था। अस्पताल पहुंचते ही मैं उसे गोद में उठाकर भागा। उसका खून मेरे कपड़ों को भी रंगीन कर गया था। डॉक्टर साहब, खुदारा इस बच्चे को बचा ले। मैंने डॉक्टर के पास उसे ले जाकर हाथ जोड़े। डॉक्टर ने जल्दी से बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवा दिया और इलाज शुरू कर दिया। मैं कॉरिडोर में परेशानी से टहल रहा था कि नर्स भागती हुई आई। सर, ओ नेगेटिव ब्लड का बंदोबस्त करें जल्दी से, हमारे ब्लड बैंक में दस्तियाब नहीं है और ये ग्रुप मुश्किल से मिलता है। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैंने जल्दी से कहा तो नर्स ने सुकून का सांस लिया। बच्चे को ब्लड मिल चुका था, लेकिन उसकी हालत अभी भी नाजुक थी। मैं वहीं बैठा रहा। डॉक्टर साहब, पैसे की फिक्र मत कीजिएगा। मैंने डॉक्टर को आते देखा तो कहा, देखिए
हमने इनको आईसीयू में रखा है और कल इनका ऑपरेशन करना होगा। सुबह 9 बजे तक अगर उनकी हालत ना संभली तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था। कुछ देर में नर्स ने मुझे कहा, आपके कुछ टेस्ट लेने हैं, आपके ब्लड की और जरूरत पड़ सकती है। ओके, चले जितना ब्लड चाहिए ले, मगर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने दूसरी सुबह मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है, मैंने सजदा शुक्र अदा किया और डॉक्टर को बताया कि वो मेरा बेटा नहीं है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर कहने लगा कि आप मजाक मत करें, हमारे पास सबूत है कि ये आपका बेटा है। क्या मतलब, मैं हैरान था। डॉक्टर ने बताया कि हम तो उसे आपका बेटा ही समझ रहे थे और इसीलिए आपके ब्लड से हमें कुछ टेस्ट करने थे ताकि अगर आगे जरूरत पड़े तो काम आए, और हमारी लैब की टीम ने आपके डीएनए का भी टेस्ट कर लिया जो कि हमने नहीं कहा था, और उस रिपोर्ट के मुताबिक आप ही इस बच्चे के वालिद हैं। और अगर आप इस बात से इंकारी हैं तो मैं सख्त हैरान हूँ कि आज तक मेडिकल साइंस में ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी का डीएनए अपनी औलाद या वालदैन के सिवा किसी से मैच कर जाए। मैं बुत बना डॉक्टर की बात सुन रहा था और ये बात तो मैं भी जानता था कि डीएनए मैच होना नामुमकिन है, लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि ये मेरा बेटा नहीं। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। 4 दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, तब उसने अपना पता बताया। मैं ढेरों फल और खाने पीने की बहुत सी चीजें लिए उसको उसके घर तक लाया था। वो एक बहुत ही पुराने सी झुग्गी नुमा घर में रहता था। उसने बताया कि उसकी सिर्फ एक माँ है जो इस वक्त घर पे उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वहाँ उसकी माँ नहीं थी, वहाँ तो उसकी माँ की लाश पड़ी थी। मैं जैसे ही उस औरत को जगाने उसके करीब गया तो मेरे तो जैसे सर पे आसमान ही आ गिरा था। वो तो महम थी, हड्डियों का ढांचा बनी महम चटाई पे लेटी हुई थी और उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, दिल की धड़कन कहीं नहीं थी। मैं चिल्ला उठा था, महम अब मुझे ईन आ चुका था, अर्थात मेरा ही बेटा है। महम को देखकर मैं सब कुछ समझ चुका था, लेकिन वो इस तरह क्यों चली गई बिना कुछ कहे। मैंने महम की तस्वीर करवाई और उसके कदमों में गिरकर खूब रोया। उसकी हालत उसकी वेदना ही साबित कर रही थी। मुझे माफ कर दो महम, मैं तो इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं। महम की झुग्गी से उसके सामान में एक खत भी मिला था जिसमें उसने सारी हकीकत लिखी थी। उसने बताया था कि जिस रात मैंने अपने आने की खबर दी थी उसी रात अम्मा ने हमारे खास मुलाजिम को हुक्म दिया कि महम को बेहोश करके कहीं भी ले जाओ और उसको इतनी दूर ले जाओ कि आइंदा वो यहाँ का रुख ना करे, लेकिन मुलाजिम उस पर तरस खाकर उसे अपने घर ले आया था। इन्हीं दिनों वो माँ बनने वाली थी। चाचा नवाजदीन उसे अपने साथ शहर लेकर आया था और वहाँ उसे रहने को इस झुग्गी में जगह दिलवाई थी, और निहायत मुश्किल वक्त में उसने अरहम को जन्म दिया और पेट पालने के लिए फूल बेचने लगी, और फिर उस रात अरहम मेरी कार के आगे आ गया। इस बेचारी माँ ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा और उसी के दुख में उसकी धड़कने उसका साथ छोड़ गई। मैंने अम्मा से पूछा था कि क्या ये सच है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाँ हाँ ये सच है, और मुझे बददुआ लगी है महम की। मैं चाहती थी कि अपनी भतीजी से मेरी शादी करवाऊं, मगर वो भी मनफूस निकली। अब वो जोर जोर से छाती पीट रही थी और चप्पलों से खुद को मार रही थी। अम्मा की जहनी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी और अब तो वो बिल्कुल ही होश से बेगाना हो चुकी थी। मैंने अरहम को फिलहाल इस सब से दूर रखा हुआ था, पहले ही उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे ही सना को इल्म हुआ तो वो बाजिद हो गई कि मुझे अरहम चाहिए, अब वो मेरा बेटा है, उसकी एक माँ मर गई तो क्या हुआ, अब मैं उसकी माँ बनूंगी, अल्लाह ने मेरी सुन ली, मेरी तकलीफ के बदले मुझे पला पलाया बेटा दे दिया। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ना था और मैं सोच रहा था कि क्या खुशियों पे महम का कोई हक ना था। उसकी माँ ने तो फिर भी 5 साल खुशियां देखी थी, मगर माँ हमने तो 15 दिन भी खुशी ना देखी। मैं अपनी जालिम माँ को क्या कहता, वो तो अब पागल हो चुकी थी। मैं कितना बेवकूफ था कि एक औरत की चाल ना समझ सका, सब मेरी गलती थी, मैंने कानों सुनी पे यकीन किया। काश उस वक्त मैं अच्छे से मालूम करता कि बात क्या हुई थी, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा।